हमारी मांग है कि जो चारों लेबर कोड सरकार लाई है, 44 श्रम कानूनों को हटा करके जो चार लेबर कोड लाया गया है, उसको सरकार वापस ले, उसको रद्द करे, क्योंकि वो घोर रूप से मजदूर विरोधी है। 8 घंटे का कानून, मजदूरों को काम करने के घंटे बढ़ा देना, जो कानून था 8 घंटे का, उसको खत्म कर दिया गया है। महिलाओं को रात्रि पाली में काम करना जो पहले मना था, उसकी इजाजत दे दी गई है। ऐसे तमाम तरह के कानून, यूनियन बनाना कठिन कर दिया गया, हड़ताल करना गैर कानूनी कर दिया गया है, ऐसे तमाम तरह के कानून ला दिए गए हैं। हम इनका विरोध करते हैं और सरकार से बोलते हैं कि सरकार अपनी मजदूर विरोधी गतिविधियां पर रोक लगाए। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, कॉरपोरेट्स की सरकार है, अंबानी अडानी की सरकार है, और ये जहां कदम बढ़ाती है तो उन्हीं के पक्ष में कदम बढ़ाती है। इनका कोई भी कदम मजदूरों के पक्ष में नहीं हो सकता है। हम लोग को जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता, हम लोग तो नाक बंगला चौराहे नहीं छोड़ेंगे। नहीं, सब सब कागज कलम पर है, धरती पर कुछ नहीं है, धरातल पर नहीं है महिला सशक्तिकरण। यही मानने की मांग था, निश्चित कल हड़ताल पर जाएगा आदमी। अभी हम लोग का आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन का पहला मांग है सरकारी कर्मचारी का दर्जा। अगर जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देते हैं, जब तक हम लोग को न्यूनतम माने मजदूरी होता है 18,000 हम लोग का सेविका को और 18,000 हम लोग का हेल्पर सहायिका है उसको चाहिए, और उसको हम लोग का मांग है कि हम लोग का पेंशन चाहिए, हम लोग का बुढ़ापा में कहाँ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और मैं विभू कुमार झा। देखिए, डाक बंगला चौराहा पर अभी खड़े हैं और आप देख रहे होंगे हमारे चारों बगल जो है हजारों की संख्या में भीड़ लगी हुई है, वो भी आंगनबाड़ी सेविका के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर कई ऐसे यूनियन हैं जो आज कल से लेकर आज धरना पे उतरे हुए हैं और उनकी मांग है कि हमें सही वेतन बढ़ाया जाए, हमें जो मानदेय है, जो हमारा काम है, उसको सरकार सही तरीके से फैसिलिटी दे, सुविधा दे, इसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखना इस बात की है कि क्या सरकार इनकी बात को सुनेंगी या नहीं सुनेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं तमाम महिलाएँ हैं, तमाम जो यूनियन के संघ के जो कई लोग हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सीधे सुनिए। ये आज और कल लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे, तो मेन मकसद क्या है प्रोटेस्ट? देखिए, 28 और 29 मार्च को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर मजदूर हड़ताल बुलाई गई थी। सभी जगह के मजदूर इस हड़ताल में शामिल हैं। आज यहाँ पर हम भी IFTU सर्वहारा की तरफ से हड़ताल में शामिल हैं। आज और कल दोनों दिन निर्माण मजदूर हमारे बीच सभी साथी आप देख सकते हैं अपना दिहाड़ी छोड़ करके आज यहाँ पर मौजूद। हमारी मांग है कि जो चारों लेबर कोड सरकार लाई है, 44 श्रम कानूनों को हटा करके जो चार लेबर कोड लाया गया है, उसको सरकार वापस ले, उसको रद्द करे, क्योंकि वो घोर रूप से मजदूर विरोधी है। 8 घंटे का कानून, मजदूरों को काम करने के घंटे बढ़ा देना, जो कानून था 8 घंटे का, उसको खत्म कर दिया गया है। महिलाओं को रात्रि पाली में काम करना जो पहले मना था, उसकी इजाजत दे दी गई है। ऐसे तमाम तरह के कानून, यूनियन बनाना कठिन कर दिया गया, हड़ताल करना गैर कानूनी कर दिया गया है, ऐसे तमाम तरह के कानून ला दिए गए हैं। हम इनका विरोध करते हैं और सरकार से बोलते हैं कि सरकार अपनी मजदूर विरोधी गतिविधियां पर रोक लगाए। यहाँ पे कई सारे संगठन के लोग हैं, चाहे आंगनबाड़ी सेविका हो या फिर कई ऐसे लोग स्वयंसेवक सेविका हैं, तो कहीं ना कहीं सबको समस्याएं हैं और समस्याओं को सरकार तक पहुँची है ये बात। देखिए, सरकार तक तो बात पहुंचती है, क्योंकि अगर नहीं पहुंचती तो ये सरकार जैसी है, ये किसान कानून, कृषि कानून वापस नहीं लेती। ये लेबर कोड कई पिछले साल ही पास हो गया था, प्रेसिडेंट का साइन हो चुका है, लेकिन ये लागू नहीं कर रही, क्योंकि इसे हिम्मत नहीं हो रही है लागू करने की, नियमावली नहीं बनी है अभी तक। इन सारे जो प्रोटेस्ट यहाँ पर हम करते हैं, हमसे लोग पूछते हैं कि क्या होता है इसमें जाने से, इसमें जाने से यही होता है कि सरकार इस बात से डरती है, ये समझती है कि अगर दिहाड़ी मजदूर अपनी मजदूरी छोड़कर, आशा वर्कर्स अपनी नौकरी को खतरे में डालकर यहाँ पर आ सकते हैं, इसका मतलब वो आगे की लड़ाई भी लड़ सकते हैं, और ये खबर सरकार तक जाती है। देखिए, हम इसका जवाब कैसे दें? सरकार जिस रास्ते पर चल पड़ी है और ये सरकार जिसकी सरकार है, उसमें समस्याएं ठीक नहीं हो सकती, ये साफ बात यहाँ है। हम इसको क्यों शुगर कोटिंग करके बोलेंगे? ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, कॉरपोरेट्स की सरकार है, अंबानी अडानी की सरकार है, और ये जहाँ कदम बढ़ाती है तो उन्हीं के पक्ष में कदम बढ़ाती है। इनका कोई भी कदम मजदूरों के पक्ष में नहीं हो सकता है, इसीलिए ये कभी भी, जब तक ये रहेंगी, जब तक ये व्यवस्था रहेगी, तब तक मजदूरों का शोषण, चाहे वो प्रत्यक्ष माध्यमों से हो कानून के जरिए या अप्रत्यक्ष माध्यमों से हो, जारी रहेगा। तो आप लोग कोई ना कोई ऑप्शन तराशेंगे सरकार को,
सही रूप से काम करें। अभी ये हम तलाश रहे हैं कि सरकार पहले तो तत्काल रूप से लेबर कोड वापस ले, लेकिन हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सभी मजदूरों को उनका हक अधिकार नहीं मिल जाता, एक ऐसा समाज नहीं बन जाता जो विशुद्ध रूप से मजदूरों का समाज हो, इसलिए हम लोग का मांग। जी नहीं, हमारा इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस सर्वहारा, IFTU सर्वहारा हमारा संगठन है, उसी से है। मेरा नाम आकांक्षा, हम लोग निर्माण मजदूरों के बीच में काम करते हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं उनके बीच में काम करते हैं, खेतिहर मजदूरों के बीच में काम करते हैं, फैक्ट्री मजदूरों के बीच में दिल्ली में काम करते हैं, कई सारे सेक्टर के मजदूर हैं उनके बीच में हम लोग काम करते हैं। यूनियन तो सरकारी नहीं होता है, फेडरेशन है ये, कई सारे महासंघ है यूनियन का। हम लोग यूनियन करते हैं मजदूरों का, आप शायद समझ नहीं रहे, हम लोग मजदूर लोग का यूनियन करते हैं, एक साथ होके उनकी लड़ाई उठाते हैं, उनको लड़ाइयों को कैसे लीड करना है ये बताते हैं, उनको एकता बनाना बताते हैं, उनके जो हक अधिकार मारे गए हैं उसके लिए आवाज उठाते हैं, ये हमारा काम। मेरा नाम आकांक्षा है। समस्या है कि हम लोग गरीब महिलाओं को इस संगठन में जोड़ते हैं और उसके काम के अनुसार नहीं मिलता है। अमीर लोग अपने घर में काम करवा लेते हैं, दिन दिन भर काम करवाते हैं और पैसा उनको जितना होना चाहिए, कम से कम 7,000 महीना उनको होना चाहिए जिससे कि उसका बाल बच्चा पढ़ सके। जी हाँ, कल भी किए थे, एक दो दिन और चलेगा, जब तक चलेगा तब तक लड़ते रहेंगे हम लोग को इसके लिए, मैंने जो उचित होना चाहिए। सेवा बिहार से हम, स्वश्री सेवा बिहार। हम लोग को दिक्कत है, महंगाई का है, पहले तो मोदी जी हम लोग को फ्री में सिलेंडर दिए, आज गैस का इतना रेट बढ़ गया कि फिर हम लोग चूल्हा पर आ गए, हम लोग को बच्चा को स्कूल का फीस चुकाना, खाना खाना मुश्किल हो गया, पढ़ाई लिखाई मुश्किल हो गया। जी सरकार से महंगाई को कम करें, जो पहले था हम लोग को गैस मिलता था उस रेट में गैस मिलना चाहिए, ऊपर तार पर चढ़ा दिए, अब धीरे धीरे सबको नीचे उतार रहे हैं, तो हम लोग तो गिर गए नीचे, अब कुछ सोच भी नहीं सकते हैं, आशा टूट चुका है कि हमारा बच्चा का भविष्य क्या होगा। हम लोग को जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देगा तब हम लोग तो नाक बंगला चौराहा नहीं छोड़ेंगे। तो सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकारी कर्मचारी का दर्जा दीजिए हम लोग को, हम लोग को जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है जब तक हम लोग को 18,000 मानदेय देना है सरकार को। सरकारी कर्मचारी का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? क्यों नहीं, सरकार हम लोग को महिला समाज के जानबूझ के नहीं देती है, ये लोग महिला अब नारी है। सरकार तो कहती है कि महिला सशक्तिकरण का नहीं, सब कागज कलम पर है, धरती पर कुछ नहीं है, धरातल पर नहीं है महिला सशक्तिकरण। नहीं, अब तो प्रेम पेटे भ्रूण हत्या हो रहा है, अब क्या महिला बचाएगा, अब तो बच्ची को। जी आंगनबाड़ी से क्या है, क्या सर? हाँ कल भी धरना देंगे, 28-29 हम लोग का यहीं पर धरना रहेगा, लगातार चलेगा। जी सर। नहीं मानने की मांग था, निश्चित कल हड़ताल पर जाएगा आदमी। अभी हम लोग का आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन का पहला मांग है सरकारी कर्मचारी का दर्जा, अगर जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देते हैं जब तक हम लोग को न्यूनतम माने मजदूरी होता है 18,000 हम लोग का सेविका को और 18,000 हम लोग का हेल्पर सहायिका है उसको चाहिए, और उसको हम लोग का मांग है कि हम लोग का पेंशन चाहिए, हम लोग का बुढ़ापा में कहाँ जाएंगे, जिंदगी भर काम करते हैं बुढ़ापे आए, अभी 5-6 हज़ार में तो नहीं, महिला पूछ रहे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग का भाई चाहिए तो चाहिए, पेंशन जरूरी चाहिए। कहाँ से आए आप बिहार? हम लोग बिहार से भोजपुर जिला से आए हैं। जी पूरे बिहार से लोग आए हैं? हाँ पूरे बिहार से आए हैं। सरकार को कानों तक पहुँचा आप क्या हुआ? जी पहुँचा, 25 तारीख को हम लोग उनके कान तक आवाज पहुँचाए, हालांकि वो तो नहीं थे, चले गए थे लखनऊ, लेकिन उनके प्रधान सचिव से वार्ता हुई थी तो कुछ मांगों पर सहमति बनी है, लेकिन मेन सहमति जो बनना है, मांग में सहमति बनी है कि हम लोग का जब पिछले बार 2018 में 54 दिन हड़ताल किए थे, उस हड़ताल के कटे हुए पैसे वापस करेंगे, और हम लोग के सेविका में से थी प्रेथी का हुआ था LS का भर्ती, जो 50% हम लोग में से ही उनको पदोन्नति करना था, तो उसको उसकी मंजूरी मिली है, और हम लोग के चुनाव में लड़ने के होता है कि जब हम लोग सरकारी नहीं है तो जब पंचायती चुनाव होता है तो हम लोग नहीं लड़ सकते हैं बिना इस्तीफा के, तो उसको हटाया गया कि नहीं आप लोग लड़ सकते हैं, और उसके बाद हम लोग मिला है कि
जब तक हम लोग ये नहीं करेंगे। मोबाइल हम लोग का घटिया क्लास के मिला है, उसको 10,000 रुपया हम लोग के खाते में जाएगा, जिससे हम लोग नया अपने तरीके से मोबाइल खरीदे। एटक यूनियन से हम लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, एटक के बैनर तले हम लोग हड़ताल करते हैं। हम लोग को कोई ना कोई यूनियन तो चाहिए ना, जो सरकार से लड़ने के लिए। हम लोग अकेले लड़ेंगे तो मेरा सुनेगा जी? एटक यूनियन से हम लोग तो लड़ रहे हैं, तो एटक को साथ देवे। हाँ, यूनियन पहुँचे सारे, तो एटक के यूनियन है। धरना दे रहे हैं सरकारीकरण करने के लिए। क्या दिक्कत है? हम लोग 6,000 में काम करते हैं, 40 रजिस्टर को भसते हैं, और कोरोना काल में भी काम किए, टीकाकरण दिलवाए, घर घर राशन पहुंचाए। इसीलिए कि हमारी बात को सरकार नहीं सुन रही है। हम सरकार नहीं सुन रही है। अब सरकार को पता, सरकार सोचती है कम पैसे में काम करवाए। हम लोग सरकार को कह रहे हैं, या तो निजीकरण कीजिए या तो हमारा 21,000 कीजिए जी। अभी हम लोग को 6,000 मिल रहा है। कल भी धरना किए थे जी, और कल भी करेंगे। आपने सुना जिस तरीके से तमाम महिलाओं ने सरकार के विरोध में यह कहा कि सरकार जब तक हम लोग के फैसला नहीं सुनाएगी, हम लोग को सही वेतनमान और सही सुविधा नहीं देगी, तब तक लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, और आगे भी उग्र आंदोलन चलता रहेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही है। बने रहे लाइव बिहार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।